लोकसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद नव निर्वाचित सांसदों की ओर से राजधानी के आला नेताओं को बधाइयां देने का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में सांसदों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जाकर आभार जताया तो वहीं भाजपा मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि पहली बार निर्वाचित हुए बाबा बालकनाथ और झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी का आभार जताया है और इस दौरान बालकनाथ ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में अब विकास कार्यों में गति लाएंगे और पेयजल की समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। साथ ही बाबा बालकनाथ ने कहा कि अलवर में अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं जिस पर अब लगाम लगाई जाएगी। साथ ही बालकनाथ ने कहा कि विकास के लिए कांग्रेस के साथ रहकर काम करेंगे और अगर विकास में कमी रही तो सरकार लड़ने को तैयार रहेगी। अलवर के लिए सबसे बड़ी एक गंभीर समस्या है, अलवर में बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जल संकट है, पीने के पानी का संकट है पूरे जिले के अंदर, और उसके लिए मैं विशेष तौर पर अपना श्रेष्ठम का कार्य करूँगा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक बड़ी योजना के माध्यम से, और हमारी पूरी पार्टी का ही संकल्प है, ये हमारी पूरी पार्टी अलवर का जो भी हमारा संगठन पार्टी का पूरे सभी के कार्यकर्ता का संकल्प है कि हम अलवर के एक एक घर तक पानी का नल पहुंचाएं, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी के मैनिफेस्टो में भी है, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, उस पर हम विशेष काम करेंगे। उसके साथ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और वहां पर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसको भी हम चलाएंगे, और NCR के क्षेत्र में हमारा अलवर आता है तो NCR का पूर्ण रूप से लाभ मिले अलवर को, और NCR के माध्यम से वहाँ पर विकास कार्यों को प्रगति मिले। विकास जनता के लिए है, हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, विकास जनता के लिए, उनको भी जनता ने ही चुना था, तो विकास के लिए हम प्रदेश सरकार के साथ, अगर विकास के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी तो पूरी पार्टी उसके लिए लड़े।